ग्रीन जोन सिंगरौली में कोरोना पॉजिटिव का पहला मामला सामने आने के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। बताया जा रहा है कि कोरोना पॉजिटिव युवक मुंबई से उत्तर प्रदेश होते हुए आया था। प्रशासन ने पूरे गांव को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया है। सिंगरौली के रमडीहा निवासी 19 वर्षीय युवक को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। युवक 15 मई को मुंबई से उत्तर प्रदेश की घोरावल के रास्ते अपने गाँव आया था। अस्वस्थ होने के कारण उसे 16 तारीख को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद युवक को रीवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। वहीं कलेक्टर KVS चौधरी ने बताया कि संबंधित ग्राम को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया गया है। कोरोना पीड़ित मरीज की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री निकाली जा रही है। बताया जा रहा है कि इसमें प्रशासन की भी लापरवाही सामने आई है। युवक को बीमार होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर कई डॉक्टर और नर्सों के कॉन्टैक्ट में आया था, लेकिन प्रशासन ने इसकी जानकारी किसी को नहीं दी थी। जिले में कल 18 मई 2020 को कोरोना पॉजिटिव की पहला केस पुष्टि पाई गई है। इस लड़का 19 वर्ष का है, रमडीहा गांव का रहने वाला है, चित्रंगी तहसील में, मुंबई में काम कर रहा था और वो एक ट्रक के माध्यम से घोरावल यूपी आया था। उधर से अपने गांव रमडीहा में 15 तारीख को प्रवेश किया था और जब बीमार था उसमें अपना घर पे भी लोगों ने उसको अलग रखा था आइसोलेशन में, और 16 तारीख को ज़्यादा स्थिति बिगड़ने से जिला चिकित्सालय में सीधा लाया गया था, भर्ती था, और 16 तारीख को ही इस व्यक्ति का सैंपल जबलपुर जो लैब है उसमें भेजा गया था और कल रात को 18 तारीख को इसका रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। इस व्यक्ति अभी खतरे से बाहर तो है, लेकिन बुखार है और बॉडी दर्द है और खाना नहीं खा पा रहा है, ड्रिप पर था, इसलिए हम लोगों ने एक प्रिकॉशन के रूप में इसको रीवा मेडिकल कॉलेज में सुबह सुबह हमने रेफर कर लिया, रीवा पहुंच गया है, इसकी इलाज उधर चालू हो गया है। और इस जो रहने वाला एरिया रमडीहा है, अगल बगल में ठटरा है, जहां पर इस प्रकार के बाहर के जो इस व्यक्ति के साथ और भी जो साथ में आए थे, उस एरिया को कंटेनमेंट एरिया के रूप में घोषित कर रहे हैं। इस एरिया में ना कोई बाहर से किसी को अंदर जाने के लिए अनुमति होगी, ना कोई अंदर से बाहर जा पाएंगे, और उसे सघन रूप से उसको स्क्रीनिंग करके और उसको सर्वे करके हम लोग और सैंपल जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आए थे उन लोग का स्क्रीनिंग करके सैंपल लेंगे। पूरा पेट में दर्द है, पूरा हाथों को पीड़ा दे रहा है, कपार कर वहाँ सब पूरे पूरे अंग पीड़ा रहा है, पेट में दर्द है, गोड़ हाथ कांप रहा है, एकदम अपने से खड़ा नहीं हो सकता, ये जानो नहीं है कि 10 सेकंड से खड़ा हो सकता है। खांसी वसी भी आ रही है? खांसी आ रही है। बुखार? बुखार का कुछ नहीं है। अच्छा, बस खांसी बस है। बस खांसी बस। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।